लोकसभा चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव पर है। सभी पार्टी अपने चुनाव प्रचार को समाप्त करेंगे। उत्तर पश्चिम के कांग्रेस के नेता गुरुदास कामत ने रखी एक जाहिर सभा, जहां इस सभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के शरद पवार पहुंचे। इस सभा में कांग्रेस के बलदेव खोसा, सुरेश शेट्टी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सलीम माप खान और कांग्रेस के सभी नगर सेवक मौजूद हुए। इस सभा में करीबन 10,000 लोग उपस्थित हुए। सुरेश शेट्टी ने अपने विरुद्ध खड़े उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर के बारे में कहा कि वह बूढ़े हो गए हैं, उनके ऑफिस के बाहर कोई दिखाई नहीं देता, तो क्या वो जनता की सेवा कर पाएंगे। गुरुदास कामत ने बताया कि उत्तर पश्चिम मुंबई के लोगों की पिछले 5 साल से हर मुसीबत में साथ देते आए हैं। गुरुदास जी ने सबसे गुजारिश की कि वो अपना कीमती वोट सिर्फ कांग्रेस की पार्टी को ही दे। जब शरद पवार जी से निवेदन किया गया कि वो कुछ शब्द जनता को सुनाए, तो उन्होंने अपनी बातों की तलवार सीधे नरेंद्र मोदी पर वारी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठा है, वो कभी इस देश की जनता को एक साथ नहीं ले जा सकता। जब से गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से गुजरात में किसानों का कारोबार बहुत कम हो गया है। बस अब इलेक्शन का वक्त बेहद करीब है, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि अब की बार मोदी सरकार या फिर कांग्रेस की झोली में होगा जीत का ताज।